हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंदौर मनमाड़ के बीच बिछाने वाली रेल लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंदौर मनमाड़ के बीच रेल लाइन बिछाने से पहले रेलवे को अकेले मध्य प्रदेश में पहाड़ों को चीरकर 17.66 किलोमीटर लंबी 7 सुरंगें बनानी पड़ेंगी। इनमें सबसे लंबी सुरंग 6.02 किलोमीटर 6.02 किलोमीटर लंबी होगी। महाराष्ट्र में 2 सुरंगें बनेंगी जिनकी लंबाई 3.50 किलोमीटर की होगी। वहाँ की सबसे लंबी सुरंग की लंबाई होगी 2.16 किलोमीटर। दोस्तों, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की जवाबदारी मुख्य रूप से सेंट्रल रेलवे के भुसावल मंडल को सौंपी गई है। दोस्तों, 309 किलोमीटर लंबे इस रेलमार्ग की लंबाई मध्य प्रदेश में लगभग 179 किलोमीटर और महाराष्ट्र में लगभग 139 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगी। सूत्रों का कहना है कि अभी तक की योजना के मुताबिक यह लाइन महू से पदलपानी के बीच इंदौर खंडवा लाइन से आकर मिलेगी। दोस्तों, रेल लाइन के लिए मध्य प्रदेश में कुल 0.032 यानी कि 0.032 हेक्टर फॉरेस्ट लैंड लेना होगी। मध्य प्रदेश में करीब 709 हेक्टर निजी और 196 हेक्टर सरकारी ज़मीन रेल लाइन के लिए लगेगी। इसी तरह महाराष्ट्र में रेलवे को 36 हेक्टर फॉरेस्ट की ज़मीन और 47 हेक्टर सरकारी ज़मीन और 711 हेक्टर निजी ज़मीन लेना होगी। प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट लैंड लेने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश में चंबल नदी, नर्मदा नदी, देव नदी और गोई नदी पर रेल लाइन के महत्वपूर्ण ब्रिज बनेंगे, जिसमें कि नर्मदा का ब्रिज जो रहेगा वो सबसे लंबा रहेगा, जबकि महाराष्ट्र में गिरना, तापी और अरुणावती नदी पर ब्रिज बनेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रिजेस की कि मध्य प्रदेश में कितने बनेंगे और उसके कंपेयर में महाराष्ट्र में कितने बनेंगे, तो जो बड़े पुल है वो मध्य प्रदेश में बनेंगे लगभग 50 के करीब और महाराष्ट्र में बनेंगे बड़े पुल 44। छोटे पुल मध्य प्रदेश में बनेंगे 83, वहीं महाराष्ट्र में बनेंगे 47। रेल ओवरब्रिज की बात करें तो मध्य प्रदेश में बनेंगे 35 और महाराष्ट्र में बनेंगे 12। रेल अंडरब्रिज की बात करें तो मध्य प्रदेश में बनेंगे 62 और महाराष्ट्र में बनेंगे 79। वहीं वायाडक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में बनेंगे दोस्तों 4 वायाडक्ट और महाराष्ट्र में एक भी वायाडक्ट नहीं बनेगा। दोस्तों, इसी के साथ ही इस रेल लाइन पर, इस रेलवे प्रोजेक्ट पर यानी कि इंदौर से मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेशनों को बनाया जाएगा उसका भी एक डिटेल वीडियो हमने कुछ दिनों पूर्व अपलोड किया था अपने चैनल पर। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से स्टेशन इस पूरे रेल लाइन के प्रोजेक्ट में रहेंगे। तो यह था आज का जानकारी वाला वीडियो। दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए एवं अपने साथियों के साथ शेयर करिए।